तो यहाँ पे हम बना रहे हैं सब्जी, और आलू गोभी की सब्जी बना रहे हैं। तो हमने इसमें अच्छा सा हल्का सा हल्दी धनिया मिर्चा डाला है, और बस ये पकने के लिए रख दिया है। और एक तरफ हमारी मिर्चा की बोतल बॉयल हो रही है, तो ये बॉयल हो जाती है फिर, और सब्जी भी बन गई है। और मुझे पूरा खाना तो रेडी हो ही गया है, तो हम इसमें से अच्छे धनिया डाल देते हैं क्योंकि सब्ज़ी हमारी पक गई अच्छे से। तो ये धनिया डाल के बस हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। तो फिर उसके बाद में हम मिलते हैं आपसे, तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि हरी हरी धनिया है और ज़्यादा सी डाली है, तो बहुत ही अच्छी लग रही देखने में। तो यहाँ हमारी सब्ज़ी यहाँ बन के रेडी हो गई है, तो हम आगे आपसे मिलते हैं। और डस्टिंग वगैरह करके, किचन साफ़ करके, तो यहाँ हमारा किचन अच्छे से साफ़ हो गया, क्लीन हो गया है। तो हमारा स्लेब वगैरह और सारा अच्छे से क्लीन कर लिया है, और चूल्हा भी साफ़ कर लिया है, बस फर्श धोना बाकी है, तो वो भी कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लाए हैं पापड़ फैलाने के लिए। हम एक बार इसको और धूप लगा दें, तो ये यहाँ पर हम इसको ऐसा फैला के इसमें धूप लगा देंगे क्योंकि अभी अच्छे से सूखे नहीं हैं। बहुत ढेर सारे हैं तो अभी अच्छे से सूखे नहीं हैं, इसको एक बार और धूप लगा देंगे, फिर इसको किसी जार में भर के रख देंगे। और ये जो है फिर कुछ ड्राई नहीं होंगे क्योंकि तलने में फिर वो जो अजीब से नहीं हो जाते वो नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम इनको फैला देंगे। और यहाँ पर देखिए हमारे पास सरसों की बोरियाँ कितनी ढेर सारी रखी हैं, ये सारी सरसों की बोरियाँ, इनमें सरसों हैं, इनमें सरसों हैं। तो यहाँ पे आई थी कट के, तो ये सब रखी हुई है। अभी इसको आएंगे लेवर बनाने के लिए, तो इसको बनाई जाती है, इसमें से सरसों कूड़ा सब अलग किया जाता है। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे बनी हुई, और भी दिखाएंगे। अभी एक जगह और रख फैलाना है उसको, तो आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए। अच्छे से पापड़ साले सारे फैला दिया धूम धूम लगने के लिए। और इधर देखिए गाइस, ये भी सरसों पड़ी हुई है, तो इसको फैलाना है धूप लगने के लिए। ये देखिए हम दिखाते हैं आपको, ये भी सरसों है, और इसमें अभी अच्छी गंदगी मतलब बहुत ही खरवर है वगैरह, मतलब जो है मिट्टी धूल वगैरह सब कुछ बहुत है, तो इसको साफ़ किया जाएगा तब इसमें ये अच्छी अच्छी सी सरसों निकल आएगी। इसको शायद धुला जाता है, हाँ शायद धुला जाता है, धुल के ये साफ बिल्कुल क्लीन हो जाती है तब इसका तेल बनता है। तो जो है अभी हम सरसों फैलाएँगे। जो है हम यहाँ पे आए हैं धूप में, और जो है पापड़ और जो है सरसों फैलाने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ब्लॉगर जो है कोई काम ना करे, मतलब ये सब काम ना करे, तो उसको हर सिचुएशन से जो है गुजरना पड़ता है। तो जो भी काम आए करना तो ज़रूर पड़ता है, तो हम थक गए। और यहाँ पे हमने ये शॉल लिया है क्योंकि जो है शॉल मतलब ठंड, सुबह सुबह ठंड बहुत लगती है, इसी वजह से हमने ये शॉल ले लिया है। तो और जो है अब हम चलते हैं, और ये सरसों को अच्छे से फैला देते हैं क्योंकि शायद जो है लेबर वगैरह आए हैं इसको जो है साफ़ करने के लिए, तो हल्की सी उसमें धूप लग जाए, और जो है सारे काम करना पड़ता है। अब जो है नीचे से काम हम सारा फिनिश करके हम आए ऊपर, तो हमने कहा ये सब फैला देते हैं धूप में क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकल रही है आजकल, तो इसी वजह से हम यहाँ पे धूप में फैला देते हैं। फिर आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए। अभी हमने नहाया नहीं है, आप जो है मतलब फ्रेश नहीं हुए, पहले सारा काम फिनिश कर लेते हैं, और जो है फिर हम आप लोग से जो है फ्रेश होके नहा के और जो है शावर लेके फिर आपसे मिलते हैं। तब तक हमारे साथ ऐसे बने रहिए आप लोग। ले 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 ये दे। ये सरसों साफ़ हो रही है, मतलब जो सरसों होती है वो अलग हो रही है, जो कूड़ा धूल मिट्टी होता है वो साइड में हो रहा है, तो हमें दिखाएंगे। तो ये देखिए जो बड़ा बड़ा सा था वो इधर हो गया है, और महीन महीन सा था वो उस साइड हो रहा है, तो हमें भी दिखाएंगे आपको कि महीन किस तरीके का होता है, बहुत ही गंदा होता है। तो ये जो जब पंखा चलता है ना, तो मतलब जो सरसों होती है वो इस साइड गिर जाती है, और वो जो हवा के साथ में धूल उधर चली जाती है। तो अभी हम दिखाएँगे, तो हमारे साथ ऐसे आप लोग बने रहिए। बहुत ढेर सारी है, तो इस छत के फिर भी है, उस छत पर भी है, तो
बहुत टाइम लगेगा, फिर हम आपको दिखाएंगे कि मतलब कूड़ा कैसा कैसा निकलता है। और सरसों तो आप लोगों को दिख रहा हो शायद, क्योंकि ये इधर जो है वो मतलब कूड़ा मतलब मिट्टी है, और मिट्टी भी है, छोटे छोटे से जो है खर वगैरह भी हैं। ये देखिए और ये कितनी साफ़ है। तो अभी जब अलग हो जाएगी तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो हमारे साथ ऐसे बने रहिए आप लोग। तो आप लोगों को हम ये भी दिखा रहे हैं आज कि क्या क्या होता है। तो ये देखिए ये साफ साफ है, और ये इधर मिट्टी हो गई क्योंकि हवा के साथ में इधर धूल मिट्टी आ जाती है। और ऐसे हमारी गुड़िया रानी खड़ी हैं, ये उधर अपनी फ्रेंड है, इनकी कोई छोटी सी बच्ची है, उसको ये बताती कि हमारी फ्रेंड है, तो ये उसी से बातें करने के लिए खड़ी है। बाबू इधर आओ, इधर हाँ यहाँ बनी, क्या उठाती रहती हो, चलो इधर आओ। छी 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 बाबू छी, पेरी छी दो छी वो छी। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। शाम मतलब रात होने वाली है तो धूप चली गई है, तो हम यहाँ का व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो इतने टाइम चलो ठंडी ठंडी सी हवा चलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये गाइस देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का व्यू। और ज़्यादा शाम हो गई तो हम आप जानते हैं कि जो है अच्छा सा वीडियो नहीं आएगा, शाम हो गई है तो वीडियो अच्छा नहीं आएगा, तो इसी वजह से हम यहीं पर वीडियो कायम करते हैं। ये सूरज मतलब बाबू उधर मत जाओ, खा लो खा लो, क्या खाया तुमने, अभी तुम्हें बता रहे अभी बता रहे हैं। तो हम यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, जितने हमारे चैनल को वीडियो को नहीं देखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं, अगली वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब बता रहे तुम्हें क्या खाया, क्या खाया, रुको 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 रुक जाओ रुक जाओ, खाया क्या हमें दिखाओ पहले, नहीं दिखाओगी मुँह में, देखे 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 हाँ इतना। एलिस सुन लो मेरी बात एक बार में, रुको।